आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी और इस बुलेटिन की शुरुआत हम एक बड़ी खबर से कर रहे हैं और यह खबर बिहार से है। बिहार में नाबालिग लड़की से रेप के आरोपी विधायक राज वल्लभ यादव ने आज अब से कुछ देर पहले सरेंडर कर दिया है। नवादा से आरजेडी के टिकट पर चुनाव जीते राज वल्लभ पर रेप का आरोप लगने के बाद पार्टी ने राज वल्लभ को सस्पेंड कर दिया था। वारदात के बाद से ही राज वल्लभ फरार चल रहा था। अब से थोड़ी देर पहले रेप के आरोपी विधायक राज वल्लभ ने बिहार शरीफ अदालत में सरेंडर कर दिया है। इसके बाद अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भी उसे भेज दिया है। सीधे पटना सुजीत कुमार झा हमारे संवाददाता के पास आपको लिए चलते हैं। क्या दलील, कहां गायब था, क्यों गायब था और अब इतने दिन बाद सरेंडर करने पर कितनी बुरी तरह से फंसा है ये विधायक सुजीत? सही, देखिए ये घटना 6 फरवरी की है, हालांकि एफआईआर 9 फरवरी को दर्ज होता है और राज वल्लभ यादव का इन्वॉल्वमेंट 11-12 फरवरी को सामने आता है। उसके बाद से राज वल्लभ लगातार फरार चल रहा था, पुलिस ने काफी दबाव डाला था उस पर गिरफ्तारी को लेकर, लेकिन बावजूद इसके वो कोर्ट में सरेंडर करने में सफल रहा। ये एक माना जा सकता है, पुलिस, हालांकि पुलिस कहती है कि दबाव की वजह से उसने सरेंडर किया, लेकिन पुलिस की तरफ से लगातार बयान आ रहे थे कि हम उसे गिरफ्तार करेंगे, लेकिन ये गिरफ्तारी नहीं हो पाई और आखिरकार आज बिहार शरीफ कोर्ट में राज वल्लभ ने सरेंडर कर दिया। ये भी कहा जा रहा है कि कोर्ट की तरफ से जो ऑर्डर मिला था कि उसकी संपत्ति, जो उसके घर हैं, उसको जब्त कर दिए करने के लिए, करीब 10 करोड़ की संपत्ति थी, उसको जब्त करने का आदेश दिया था कोर्ट ने, ये भी एक दबाव काम हो सकता है। लेकिन तमाम 12 टीमें लगी हुई थी पुलिस की छापेमारी में, इसके बावजूद उसने कोर्ट में सरेंडर किया। बहुत धन्यवाद सुजीत। सुजीत कुमार झा हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। आरजेडी विधायक जिसे कि सस्पेंड कर दिया गया है, उसने अब से कुछ देर पहले अदालत में सरेंडर कर दिया है। और अब अगली खबर का रुख करेंगे। बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी के मुरीद अनुपम खेर पर करारा वार किया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अनुपम खेर रियल लाइफ में विलन है। वेलकम रितेश, यू गॉट अ रॉक स्टार वेलकम हियर।